सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। आइए चले दिन शुरू करते हैं। देखिए दूध को मैंने उबाल लिया है। काफी देर से मैं इस दूध को उबाल रही हूँ, पूरे यहाँ तक था। 3 लीटर दूध को मैंने उबाल कर कम से कम उसको 2 लीटर किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी शक्कर। बहुत ज्यादा शक्कर वगैरह नहीं डालना होता इसमें, ये बहुत इजी बनती है। मैंने ऑलरेडी मामी सिवाई की भी बनाई हूँ, उसकी भी रेसिपी मैंने डाल दी हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल रही हूँ, थोड़ी सी शक्कर डाली हूँ मैं। ड्राई फ्रूट, ये मखाने हैं, इसको डाल दूँ इसमें। खजूर डाली हूँ थोड़ा सा, ये शीर खुरमा मैं थोड़ा ही बना रही हूँ इसलिए मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। ये ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, पिस्ता, मैंने इसको सब फ्राई कर लिया था काट के। इसमें एक और तरीका है कि इसको थोड़ा घी से बघार देते हैं, लेकिन मैंने बघारा नहीं है। मैं इसमें घी ही डाल दूंगी ऊपर से। घी नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने इसको सारे ड्राई फ्रूट को मैंने देसी घी में पहले फ्राई किया है, इससे भी बहुत ऑयली हो जाता है। और मैं इसमें एक डाल रही हूँ, एक हरी इलायची, ये मैं डाल रही हूँ छील के। ये 50 ग्राम तक मावा है, दूध का मावा, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। कच्चा ही डाल रही हूँ मैं, इसको भून नहीं रही, ये इसके अंदर दूध में पिघल जाएगा, फट जाएगा। बस ये बॉयल होता है, बस इसके अंदर मैं सेवई डालूंगी। सेवई को मैंने पहले ही घी में भून कर रखा है, क्योंकि मैंने की मामी से भी बनाया था तो सब काम मैंने एक साथ ही कर लिया था। और मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं एक चम्मच घी भी डालू, 1 टीस्पून इमली। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है माशाल्लाह। मेरे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इसको भी बनाती हूँ, कि मामी से भी बनाती हूँ। देखिए ये दूध बॉयल हो गया है। अब मैंने थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी है, 50 ग्राम सेवई होगी, मैंने इसको निकाल लिया था। मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। इसको बनाने का बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बस ये बॉयल हो जाएगा और हमारा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया। देखिए हमारा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है, इसके साथ मैंने किमामी सेवई भी बनाया है। आज ईद का दिन है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। आइए हमारे साथ शीर खुरमा खाइए, किमामी सेवई खाइए, और आपको इंशाल्लाह हमारा ये शीर खुरमा अच्छा लगेगा। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।